तो इस वीडियो में अपन एक नए फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो पॉलीलॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर आता है। तो इस वीडियो में अपन डायलॉगरिथम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डायलॉगरिथम फंक्शन को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको इस सीरीज के फॉर्म में, ये सीरीज है यहाँ पर समेशन k की वैल्यू 1 to infinity z की पावर k डिवाइडेड बाय k2। सो इस सीरीज को यहाँ पर अपन डायलॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। तो ये वैलिड है मोड जेड लेस देन 1 के लिए, यानी जेड यहाँ पर अपन -1 to 1 के बीच में लेंगे। तो अगर मैं इस सीरीज को ओपन करूँ तो ये इस तरीके से ओपन होगा, जेड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, इस तरीके से ओपन होगा। और इसको तुम यहाँ पर इस इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखे तो अपन माइनस इंटीग्रल यहाँ पर अपन कर रहे हैं 0 to यहाँ पर जेड, अंदर क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 - u डिवाइडेड बाय u du, इस तरीके से। तो अगर तुम्हें पता हो कि मोड एक्स लेस देन 1 के लिए जो लॉग ऑफ 1 - x है उसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, -x - x² बाई 2 -x³ बाई 3, इस तरीके से उसका सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हो। यानी इस सीरीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, समेशन k की वैल्यू 1 to infinity यहाँ पर ये x की पावर k डिवाइडेड बाय k आ जाएगा, और माइनस के साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ। सो इस तरीके से मैं इस सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पर। सो वैसे ही ये जो लॉग ऑफ 1 - u है, बिकॉज अपना जो मॉड जेड है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ पर अपन वो सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पर माइनस समेशन यहाँ पर k की वैल्यू 1 to infinity u की पावर k डिवाइडेड बाय k की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रल 0 to z, यहाँ पर वो जो लॉग ऑफ 1 - u है उसको अपन इस सीरीज के फॉर्म में लिख देते, समेशन k की वैल्यू 1 to infinity u की पावर के डिवाइडेड बाय के, एंड अपने पास एक u था यहाँ पर और ये du था, और इस माइनस के साइन को मैं यहाँ पर, इस माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -, -, +, 0 to infinity यहाँ पर अंदर अपना समेशन k की वैल्यू 1 to infinity u की पावर के डिवाइडेड बाय के, एंड यहाँ पर ये 1 by u है एंड du है। सो पहले अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर इस समेशन को मैं खोलूंगा तो वहां पर वही सीरीज बनेगा, u+u² / 2+u³/3, और उसको अगर मैं 1 by u से मल्टीप्लाई करूं और फिर यहाँ पर अपन इजीली उसका इंटीग्रल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो तुम यहाँ पर, कि इस समेशन को अगर तुम बाहर निकाल लो, तो अगर पहले अपन u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं तो ये k के रेस्पेक्ट में जो समेशन है उसको बाहर निकाल सकते हो, और ये 1 by k भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रल 0 to z बचेगा अपने पास, u की पावर k डिवाइडेड बाय u du, तो जिसको तुम इजीली लिख सकते हो, समेशन k की वैल्यू 1 to infinity 1 by k इधर आ जाएगा, एंड ये 0 to z यहाँ पर u की पावर k -1 du, और इसका इंटीग्रल सिंपली तुम करोगे तो u की पावर k डिवाइडेड बाय k हो जाएगा, जो उस 1 by k के साथ मिलकर अगर तुम देखोगे तो u की पावर k डिवाइडेड बाय k² आ जाएगा, एंड समेशन k की वैल्यू 1 to infinity। और यहाँ पर अपने पास लिमिट 0 to z थी ही, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फाइनल आंसर अपना समेशन k की वैल्यू 1 to infinity z की पावर k डिवाइडेड बाय k² आ जाएगा, क्योंकि 0 की पावर k तो 0 ही हो जाएगा। और यही मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि ये डायलॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसी की एक डेफिनेशन को मैंने तुम्हें बताया था कि इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन ने प्रूव कर लिया कि इसको इस तरीके से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पर जैसे मैंने इसको ओपन किया और 1 by u से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1+u/2+u²/3, इस तरीके से बनेगा। और अब तुम यहाँ पर इंटीग्रल करोगे तो क्या बनता, यू प्लस ये 1/2 को मैं बाहर ले लूँ तो इसका u² बाय 2 बनता, प्लस 1/3 को बाहर ले लूँ तो u³ बाय 3 बनता। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर फिर इस पूरे को देखो तो यहाँ पर भी इसमें भी एक्सपेंड करो तो ये क्या बन रहा है, z+z² / 2² + z³ / 3² इस तरीके से ही बन रहा है ना, तो वहां पे भी इस तरीके से बन रहा है, तो सेम ही चीज है। तो इस तरीके से अपन डायलॉग फंक्शन को समझ सकते हो, और उसको इस फॉर्म में यहाँ पर मैंने तुम्हें रिप्रेजेंट करके भी बता दिया।
आगे अपन इसकी और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।